आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको तंबाकू वनस्पति के बारे में बताएंगे। तंबाकू क्या है, इसका सेवन कैसे करें, तो आइए जानते हैं। तंबाकू उगाई जाने वाली वनस्पति है। इसका पौधा लगभग 90 सेंटीमीटर तक ऊंचा होता है। अधिकतर लोग तंबाकू के पत्तों का सेवन करते हैं। इसका उपयोग धूम्रपान करने में अधिक किया जाता है, जैसे बीड़ी या सिगरेट के रूप में। स्वास्थ्य के लिए धूम्रपान करना हानिकारक होता है। इसकी खेती लगभग भारत के सभी राज्यों में होती है और देश भर में इसका उपयोग व्यापक रूप से होता है। भारत में इसकी कई किस्में पाई जाती हैं, जैसे देशी तंबाकू, कलकतिया, पूरबी, सुरती, मैनपुरी, गुजराती, भोपाली आदि नाम शामिल है। तंबाकू में तो अनेक विषैले तत्व होते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख विषैला तत्व निकोटिन नामक विष है, जिसका नामकरण इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक जीन निकोट के नाम पर करके इसे निकोटिन या निकोटियाना कहा गया है। इसी विष के कारण तंबाकू लाभकारी कम और हानिकारक ज्यादा होता है। तंबाकू के सेवन से लार का स्राव बढ़ता है, मुख की त्वचा, तालु, गले, अन्ननलिका और लालारस ग्रंथियों के माध्यम से निकोटिन आमाशय से होता हुआ गुर्दों तक पहुंचता है और इस तरह इन सभी अंगों को अपने विष के प्रभाव से दूषित करता है। तंबाकू के सेवन से मुख, गले, अन्ननलिका, फेफड़े, आमाशय या आंतों में कहीं भी कैंसर होने का खतरा रहता है। भारत में मुंह के कैंसर के रोगी ज्यादा पाए जाते हैं और इसका एक कारण तंबाकू सेवन करना भी है। तंबाकू खाने का तरीका। तंबाकू को मुंह में किसी स्थान पर गाल से दबाकर न रखा करें, बल्कि पूरे मुंह में घुमाते रहें ताकि उस खास स्थान पर घाव न बन सके। सिर्फ खेत की सादी पत्ती वाला तंबाकू खाना ही सही होता है, अतः खुशबूदार सिंथेटिक पद्धति से बनाई गई तंबाकू न खाकर सादी तंबाकू का ही सेवन करना चाहिए। खाते पीते और सोते समय मुंह में तंबाकू नहीं होना चाहिए। तीनों अवस्थाओं में मुंह खूब साफ करना और दंत मंजन करना अनिवार्य है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस लाइफस्टाइल होम रेमेडीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।